हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी फर्स्ट फाइट का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैंने मेरी फर्स्ट फाइट या बाउट रिंग के अंदर खेली थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलती मैंने करी थी, किस चीज़ पर मैंने फिर वर्क करा, कैसे अपनी फाइट को और इम्प्रूव करता गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा फर्स्ट फाइट का एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आपको अपने अपकमिंग टूर्नामेंट में हेल्प मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फाइट की फीलिंग के बारे में कि फर्स्ट फाइट में जब हम चढ़ते हैं रिंग के अंदर तो हमें कैसा फील होता है, क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है, और सेम चीज़ आपके साथ भी हुई होगी। और अगर आप फर्स्ट फाइट खेलोगे तो आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी एक ना एक बार। हम जब भी कभी किसी भी चीज़ को पहली बार परफॉर्म करते हैं तो वो हरदम हमें याद रहती है, वो फीलिंग हरदम याद रहती है। तो जब मैं रिंग के अंदर खेलने के लिए चढ़ रहा था, मेरा वहाँ से नाम अनाउंस हो रहा था, तो मैं बहुत सहमा हुआ था। मेरे को अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मैं कैसे खेलूँगा, बस एक जगह ऐसे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार रिंग में पंच चलेंगे नहीं चलेंगे, जो हर बिगनर को ये फीलिंग ज़रूर आती है रिंग में चढ़ने से पहले। वो बहुत घबरा जाता है, अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ मन नहीं करता किसी भी चीज़ का, बस ऐसा लगता है कि बैठे रहो कि फ़ाइट आ रही है, फ़ाइट आ रही है, फ़ाइट आ रही है। बिल्कुल ऐसी सेम फीलिंग मुझे मेरी फर्स्ट फाइट के टाइम पर आ रही थी और मैं बिल्कुल एक जगह से बैठा हुआ था। फिर साथ ही जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं रिंग के कॉर्नर पर गया और वहाँ जैसे ही मैंने मेरे ओपोनेंट को देखा, मेरा ओपोनेंट मुझसे बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 3 या 4 इंच लंबा था, और मैं बहुत घबरा गया उसको देख के कि यार तो मेरे से हाइट में बहुत लंबा है, मेरे पंच कैसे चलेंगे। मैं पहले से डरा हुआ था और उसको देख के और भी ज़्यादा डर गया। फिर जैसे ही मेरे में चढ़ा, बॉक्स करा, फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हो रहा, बस मैं जाते ही पंच मारने लग गया, अटैक करने लग गया, और कुछ समझ में नहीं आया कि अपने आप पंच चल रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा। रिंग के अंदर मेरा दिमाग बिल्कुल, जो माइंड है बिल्कुल साइलेंट पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ यहाँ से वर्क ही नहीं कर पाया, यहाँ से सोच नहीं पाया। इसी वजह से मैं मेरी फर्स्ट फाइट हार गया। जी, उस फाइट को मैं इजीली जीत सकता था, कोई ऐसा हार्ड कॉम्पिटिशन नहीं था, बट एक डर की वजह से मेरा माइंड वर्क नहीं करा, मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया, बस पंच चलाए ये भी फोकस नहीं करा कि कैसे डिफेंस करना है, क्या करना है, सिर्फ अटैक पे फोकस करा, उसकी हाइट देख के डर गया, जिस वजह से मैं मेरी पहली फाइट हार गया। और उस फाइट को मैं जीत सकता था, नेक्स्ट ईयर मैंने उसी ओपोनेंट को भले चाहे हरा दिया, सेकेंड राउंड में RSC कर दिया था नेक्स्ट टूर्नामेंट में उसको मैंने, सेम स्टेट टूर्नामेंट में, बट उस फाइट को भी मैं जीत सकता था। पर एक जो फर्स्ट फाइट रहती है, फीलिंग आती रहती है कि नहीं यार नहीं कर पा रहा मैं, तो नहीं होगा मुझसे, डर रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपकी जब भी फर्स्ट फाइट हो तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या गलती करी कि मैं एक तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, एक अच्छा वार्म अप करना चाहिए था, वार्म अप करा पर एक अच्छा वार्म अप नहीं करा, शैडो बॉक्सिंग ढंग से परफॉर्म नहीं करी, बैठे बैठे उसी के बारे में सोचता रहा, ओपन एंड को देख लिया और फिर दिमाग में वही सब चीज़ें चलाता रहा। अगर मैं इसकी जगह एक अच्छा वार्म अप करता, किड पैड बॉक्सिंग करता, शैडो बॉक्सिंग करता, जंप करता रहता, खुद पे फोकस रखता, ये देखता कि यार मुझे किस तरीके से रिंग में परफॉर्म करना है, कैसे फोकस करना है, तो मैं उस फाइट को ईजिली जीत जाता। पर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम जितना रिंग के अंदर टाइम देते हैं, जितना हम अपनी ट्रेनिंग को टाइम देते हैं, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। हमारे माइंड को कितना यूज़ में लेते हैं रिंग के अंदर, कितनी हम फाइटें परफॉर्म कर रहे हैं रिंग में, कितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें इन सब से आती हैं। ऐसी सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ही आती हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में सब चीज़ें कर दोगे, या तो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, या फिर मैं आपको कोई एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इससे सीखो, या फिर किसी अदर जो आपका सीनियर प्लेयर है, कोच है, उनके जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखो। क्योंकि जो बिगनर बॉक्सर होते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो क्या सोचते हैं हम जाके खेल लेंगे, समझते नहीं है चीज़ों को, पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है रिंग के अंदर, सच बता रहा हूँ, नहीं चलते यार। अगर आप पहली बार खेलोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, और गारंटी दे रहा हूँ आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनने अपनी पहली फाइट के टाइम ज़रूर डरे होंगे, मन में घबराहट आई होगी, अजीब सी फीलिंग आई होगी, जो कि सबको आती है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर उसको फील सब कर सकते हैं। एक जगह बैठ रहना, प्यास नहीं लगना और अजीब सा होते रहना, टॉयलेट बार बार आना, तो ये सारी फीलिंग फर्स्ट फाइट के दौरान ज़रूर आती है, और कईयों को तो हर फाइट के दौरान आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि तो
मैगजिम को आई होगी और जिनने अभी तक फाइट नहीं खेली है तो उनको अपनी फर्स्ट फाइट के दौरान जरूर आएगी ये फीलिंग। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये फीलिंग तो आपको आएगी आएगी, हल्की हल्की घबराहट तो होगी, थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेशन भी आएगी, पर आपको इन सबसे कैसे ओवरकम करना है, किन चीज़ों को ध्यान देना है। फर्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं पड़ना चाहिए। आप ये चाहे कैसी ट्रेनिंग करी हो, अच्छी ट्रेनिंग करी हो तो अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, कम करिए तो कम कॉन्फिडेंस रहेगा, पर आपको फोकस करना है कि आप अपना कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो। ये नहीं सोचना है कि मैं रिंग के अंदर जाकर नहीं खेल पाऊँगा, मेरे हाथ नहीं चलेंगे। आपका गेम आधा तो आपको कॉन्फिडेंस ही, आपको आधा गेम तो आपका कॉन्फिडेंस ही जीता देगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आपको हरा भी सकता है, और अगर हाई है तो आपको जीता भी सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने एक बात बॉक्सिंग के अंदर बहुत सुनी होगी, जीदारी होनी चाहिए। जीदारी, जीदारी का मतलब ये होना चाहिए कि जिगरा होना चाहिए, मन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से उस फाइट को कम्पीट कर पाओ। अगर आपका मन कमज़ोर है, क्योंकि कहते हैं ना बॉक्सिंग एक मन का गेम है, स्ट्रॉन्ग गेम है, तो बॉक्सिंग को स्ट्रॉन्ग गेम इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हर कोई बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। एक आप कमज़ोर बंदे को लिया, कमज़ोर मन है जिसका, उसको लिया और रिंग में खेल, वो चाहे कितना स्ट्रॉन्ग हो पर वो रिंग में अटैक नहीं कर पाएगा। पर एक पतला सा बंदा होगा जिसका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिम्मत है उसके अंदर, वो जाएगा अटैक करेगा, तो एक अलग ही मोटिवेशन सी मिलती है उसको। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बॉक्सिंग खेलने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो सिर्फ ट्रेनिंग करके आप जीत जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है फाइट के दौरान। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी घबराना नहीं है। हल्की हल्की जो घबराहट हो रही है उसको कैसे ओवरकम करें, जैसे आपको घबराहट हो रही है तो आप शैडो बॉक्सिंग करने लग जाओ, अपने गेम पे फोकस करो। ये सोचो कि मुझे रिंग के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देनी है। अपने जो टीममेट्स हैं उनसे हल्की हल्की सी बात करो। आपके साथ अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उससे बात करो कि मैं थोड़ा सा इस तरीके से कैसे, तो मैं इस प्लेयर के साथ किस तरीके से परफॉर्म करूं, मुझे कैसे खेलना चाहिए रिंग के अंदर, उससे बात करो। और पूरा फोकस रखो अपने ऊपर कि मुझे ऐसे खेलना है, मेरा माइंड सेट ये है, मुझे रिंग में जाके ये पहला अटैक करना है, वो अगर ये अटैक करता है तो मुझे ऐसे डिफेंस करना है, मुझे कब काउंटर अटैक करना है। तो ये सारे फोकस आपके माइंड में रहने चाहिए, तो ये सारी बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। और अगर आप घबरा गए तो आप ये ऐसा कुछ भी नहीं सोच पाओगे, रिंग में आपके हाथ भी नहीं चलेंगे ढंग से, और सिर्फ और या फिर सिर्फ हाथ ही हाथ चलेंगे, दिमाग नहीं चलेगा। ये दो चीज़ें होती हैं अगर आप घबरा जाते हो। तो आपको एक अच्छा वार्म अप करना है अपनी फाइट से पहले। स्किपिंग करो, जॉगिंग करो, शैडो बॉक्सिंग करो, पंचिंग बैक क्यों नहीं कर रहा, पंचिंग बैक तो नहीं कर पाओगे, किड वो पैड बॉक्सिंग करो, ओपनर वो आपके साथ जो टीममेट होंगे वो आप कैसे करके करवा देते हैं, हर कोई करवाता है, तो टीममेट आपको पैड बॉक्सिंग करवा देंगे, पैड बॉक्सिंग करो। और सारा फोकस खुद के ऊपर रखो, दिमाग आपका रिंग के अंदर चलना चाहिए। अगर रिंग में आपका दिमाग नहीं चला तो आप फाइट हार जाओगे। मैंने क्या गलती करी थी, बिल्कुल घबरा गया था, उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, बिल्कुल भी मैंने फोकस नहीं करा। मैं तो बस यही सोचता रहा यार मैं क्या करूँगा, घबरा गया, उसको देख के और घबरा गया। एक बात और, अपने ओपोनेंट को देख के कभी भी नहीं घबराना। हमको पता नहीं होता कि वो कैसा गेम है, हमारा क्या पता हमारा गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम उसको पहले ही देख के डर जाएँ। अगर पहले ही देख के डर गए तो हमारा जो गेम है हम उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसको देख के डर गया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जाकर रिंग के अंदर दिमाग नहीं चलाया, फोकस करके नहीं खेल पाया, तो मैं मेरी पहली फाइट हार गया। आप अपनी पहली फाइट नहीं हार हो तो उन सब के लिए मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो गलती करी थी वो गलती आप मत करना। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना, एक जगह ऐसे घबराते हुए मत बैठना, अपना वार्म अप अच्छा करना, पैड बॉक्सिंग करना, फोकस रखना, अपने दिमाग को पूरा एक्टिव रखना कि ऐसे फाइट करनी है। फाइट से पहले आप ग्लूकोज पी सकते हो, ORS पी सकते हो, इससे आपकी थोड़ी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए। और एक थोड़ा माइंड में भी रहता है ना कि यार मैं ग्लूकोज पी रहा हूँ तो मेरी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, माइंड में थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाती है वो चीज़। भले चंद से कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़े, पर एक माइंड में तो आ ही जाता है कि मैं तो एनर्जी ड्रिंक पी रखा है। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज पी सकते हो, ORS पी सकते हो, एक अच्छे माइंड सेट के लिए। और साथ ही आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और इसी के साथ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। इनहेल एक्सहेल इस पर फोकस करना है। आप जितनी सही और अच्छी ब्रीदिंग लोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड वर्क करेगा। और रिंग के अंदर भी काफ़ी बॉक्सर क्या करते हैं, ब्रीदिंग को छोड़ देते हैं, अटैक पे फोकस कर रहे हैं, जिससे वो जल्दी थक जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, माइंड को यूज़ में नहीं ले पाते। तो आपको रिंग के अंदर भी ब्रीदिंग नहीं छोड़नी है, खेलते रहो, ब्रीदिंग करते रहो, फोकस रखो, हैंड मूवमेंट करते रहो, आ रहा है डिफेंस कर, अटैक कर दिया, फिर खेल रहे हो। अगर आपके साथ कोई बिगनर प्लेयर आ गया तो उसको ट्राई करो कि 30-40 सेकंड के अंदर ही RSC कर दो। गए हल्का सा देखा कि देखा बिगनर है, नहीं अटैक कर पा रहा, ढंग से नहीं खेल पा रहा, कंटिन्यू अटैक करो और फाइट को फटाफट ख़त्म कर दो। अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आ गया, आपको लग रहा है कि थोड़ा अच्छा प्लेयर है, तो उसके साथ काउंटर गेम का ज़्यादा यूज़ में लो, ट्राई करो अटैक पर अटैक करने का, उसको
ट्राई करो अटैक पर अटैक करने का, डिफेंस के साथ अटैक करो, पूरा फुटवर्क का यूज़ में लो और पूरे दिमाग के साथ खेलो, तो आपको हर ओपोनेंट के साथ अलग गेम परफॉर्म करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि बॉक्सिंग के अंदर ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो होप आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि हमें किस तरीके से खेलना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। आपको पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, दिमाग को पूरा एक्टिव रखना है और फोकस करना है कि रिंग के अंदर जो भी ट्रेनिंग करके आया हूँ उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना है। हारूँ या जीतूँ वो चीज़ मैटर नहीं करती, दो जने एक हारेगा एक जीतेगा, पर हाथ दोनों के पास है, डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से अपने गेम को परफॉर्म करना है और पूरा फोकस रखना है कि मैं अपना 100% दूँ। जीतने की तो सोचनी है पर साथ में सोचना है कि 100% देना है अपना। 100% कब दे पाओगे? जब आप डरोगे नहीं, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है, हार जीत इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका गेम कि आपने किस तरीके से खेला है। कई बार कहते हैं ना कि यार तू तो बहुत अच्छा खेला, भले चाहे तो हार गया पर इतना अच्छा खेला जो लोगों के मन में आ जाती है वो बात कि यार तो तगड़ा प्लेयर है, अगले साल तो गोल्ड ही मारेगा, तो वो चीज़ आपको अपनी रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक अच्छा वार्म अप करना है, पैड बॉक्सिंग करनी है, शैडो बॉक्सिंग करनी है, बेसिक कंप्लीट स्ट्रेचिंग करनी है जिससे आपकी बॉडी में कोई इंजरी ना हो रिंग के दौरान, फाइट के दौरान, रिंग के अंदर फाइट के दौरान, साथ ही आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, आप जल्दी नहीं थको, बॉडी के अंदर जल्दी फटिंग नहीं हो, तो आपको एक अच्छा वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि आप फाइट से पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, ग्लूकोज ORS ये पी सकते हो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। तो ये जो बेसिक बातें थी आपको ध्यान रखनी है, ये आपको हेल्प करेंगी आपको फर्स्ट फाइट जीतने में, साथ ही आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में। तो होप इस वीडियो थ्रू आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो कि हमको हमारी फर्स्ट फाइट में कैसे परफॉर्म करना है। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आजकल लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट कम होती जा रही है, व्यूज़ तो कम हो ही गए, एंगेजमेंट भी कम होती जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।